नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी नर्सिंग के सहारे कांग्रेस। जी हां, नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लिहाजा वो किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। गुरुवार को भी कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले को लेकर पैदल मार्च निकाला और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी इस प्रदर्शन को कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नरसिंह घोटाले के खिलाफ एफआईआर करने पहुंचे। नरसिंह घोटाले के मामले को विपक्ष भुनाने में जुटा है। सड़क से सदन और फिर सड़क पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। मंत्री विश्वास सारंग पर कार्रवाई की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है। गुरुवार को भी कांग्रेसियों ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल में पैदल मार्च निकाला। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, सांसद दिग्विजय सिंह समेत विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ अशोका गार्डन थाने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बन गई। वही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपने मंत्री को बचाने का काम कर रही है। 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहाँ मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था। ऊपर कहां जाता था ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। इधर कांग्रेस नरसिंह घोटाले पर बीजेपी को घेरने में जुटी है, तो बीजेपी इस प्रदर्शन को उसका षड्यंत्र बता रही है। बीजेपी का कहना है कि मामले में जांच चल रही है, इसके बावजूद कांग्रेसी किसी षड्यंत्र के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इस मामले में सरकार दूध का दूध और पानी का पानी कर चुकी है। देखिए, कांग्रेस का ये अंतर्द्वंद है, उनको नर्सिंग मामले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि नर्सिंग घोटाला कमलनाथ सरकार में हुआ, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधु ने किया, लेकिन वो तो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच में एक अंतर्द्वंद, एक गुटबाजी, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसके कारण एक दिन उमंग सिंगार मामले को उठाते हैं, दूसरे दिन मैदान में जीतू पटवारी आ जाते हैं, दोनों के बीच में शहमात का खेल चल रहा है। वास्तविक लड़ाई तो उनके पर्दे के पीछे कमलनाथ से, जिनको निपटाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस इस प्रदर्शन के आड़ में कोई बड़ा गदर करना चाहती है, माहौल खराब करना चाहती है। एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस नर्सिंग मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती, लिहाजा वो इस मुद्दे को कैसे भी करके जिंदा रखना चाहती है, ताकि सरकार की घेराबंदी कर उस पर दबाव बनाया जाए और जनता के बीच एक नैरेटिव सेट हो सके। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिग्विजय सिंह सवाल उठा चुके हैं, ऐसे में अब ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में और कितना तेज होगा और कांग्रेस सरकार पर कितना प्रेशर बना पाएगी, ये बड़े सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है गुप्ता जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार मनोज जी। गुप्ता जी, पहले हमने देखा कि व्यापम में सीबीआई भी खाली हाथ रही और कांग्रेस के हत्थे भी गुथने लगा, प्रदर्शन के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, उन्हीं के मंत्रियों ने पिछली सरकार में क्लीन चिट दे दी कमलनाथ सरकार में, लेकिन लग रहा है कि अब नर्सिंग मामला एक ऐसा मामला मिल गया कांग्रेस के हाथ जो जीतू पटवारी भी जिसमें अपने नैया उबरती देख रही है, और पूरी कांग्रेस को भी लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो पूरी कांग्रेस को संजीवनी दे सकता है। देखिए मनोज जी, क्या मिला क्या नहीं मिला,
ये तो मुझे लगता है कि इस पर नजरिया हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुद्दा इस तरह का जब मिलता है तो कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने आता है। व्यापारियों का सच लोगों के सामने है, कई लोग उनको सजा भी हुई है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। और एक जो शिवराज सिंह चौहान पर जो सबसे बड़ा दाग है ना, वो व्यापारियों का है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की हो, ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जनता में आप जाएंगे ना तो वो कहेंगे शिवराज सिंह चौहान का ही नाम लेंगे, किसी और का नाम नहीं लेंगे। और ये बात तो अभी भी चल रही है आगे। अब आप देखिए कि जो नरसिंह घोटाले की बात है, नरसिंह घोटाला कोई कांग्रेस ने नहीं उठाया है, वो रवि परमार जो एनएसयूआई के थे वो लगातार इसको पहले भी उठा रहे थे। बिल्कुल, आज जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में चुनाव से पहले तो कांग्रेस ने नहीं उठाया। ये तो हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच की और सीबीआई के अधिकारियों ने जब वसूली की और उसका जब रैकेट सामने आया, ये तो तब लोगों को इसकी गंभीरता पता लगी कि ये कितना गंभीर मामला है। तो यदि गंभीर मामला है, विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ चर्चा हो रही है, सारे नियमों के परे चर्चा हो रही है, तो इसमें कांग्रेस ही क्यों अकेली इन्वॉल्व है? आप बताइए ना, इसमें तो ये जो विषय है ये है तो लाखों लोगों का, और जब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लोगों के लिए तो करते ना, यदि नहीं करते नरसिंह घोटाले पर तो आप और हम क्या चर्चा कर रहे होते कि कांग्रेस ने ये मुद्दा क्यों छोड़ दिया। आज जो बात हो रही है ना कि सब कांग्रेस इसको क्यों जिंदा रखना चाहती, जिंदा क्यों नहीं, किसी भी चीज को एक लॉजिकल एंड तो तक तो पहुंचाना चाहिए ना। नहीं, इसके पहले क्योंकि कई सारे ऐसे मामले थे लेकिन कांग्रेस उनको छूती थी और भग जाती थी। विधानसभा सत्र खत्म, कांग्रेस का उस पर चिंतन खत्म, फिर अगले सत्र की तैयारी करते थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सत्र के पहले भी और सत्र के बाद भी। आप नई सरकार में आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा तो अभी कोई आया नहीं है, जो नरसिंह घोटाले से बड़ा हो, तो यदि ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसमें बड़ी संख्या इन्वॉल्व है लोगों की और अभी भी एग्जाम नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है कि मतलब इन सारी चीजों में एग्जाम हो गए। सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है हाईकोर्ट में वो फाइट जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इसमें सिंगल एफआईआर दर्ज नहीं है इस पूरे मामले में। इस मामले को कौन सीरियस ले रहा है आप बताइए ना, सरकार में कौन ले रहा है? चलिए कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार के क्लीन चिट दे रही थी इस पर, ये जवाब तो सरकार को देना है कि भाई इतने लोगों के साथ ये जो डॉक्टर मोहन यादव ने तो गड़बड़ी नहीं की। भाई गड़बड़ी तो जिसने भी की है वो उसके लिए मोहन यादव सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसको एक्शन लेने में क्या दिक्कत है? भाई जब ये मान रहे हैं कोर्ट में ये साबित हो गया, सरकार ने सेंट कॉलेजों की परमिशन अरेस्ट कर दी, लोगों को टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो अब आपको जो और ऊपर लेवल पर जिम्मेदार हो, चाहे आईएएस अफसर हो चाहे राजनेता हो, आकर ये बताइए कि इस पर एक्शन क्यों नहीं होता, इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती। महत्वपूर्ण ये है कि आप लॉजिकल एंड तक कोई चीज पहुंचना चाहिए। अल्टीमेटली आप और हम भी एक कॉमन मैन है और ये मुद्दा कॉमन मैन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो पिछली बार भी हमने ये डिस्कशन किया था कि नर्सिंग का जो मामला है उसको कोई आपको बहुत सीरियसली लेना होगा, क्योंकि जिसका कॉलेज नहीं होगा उसमें सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर क्या होगा? अब कांग्रेस यदि तो एफआईआर कराने तो जा रही ना कांग्रेस, जो मैंने कहा ना कि एफआईआर ही नहीं है इस मामले में, आप कहीं भी किसी भी एजेंसी में एफआईआर नहीं है तो फिर कार्रवाई होगी कैसे? यदि कांग्रेस जा रही है तो आपको एक तो क्राइम है और ये कोर्ट में प्रूफ हुआ है, कहीं और नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली इसको आपको इसका कॉग्निजेंस तो लेना ही होगा ना। यदि सरकार नहीं करा रही है तो कांग्रेस जा रही है, आप करें नहीं करेंगे आपके अधिकार की बात। तो प्रभु जी मामला तो गंभीर है, जो दिनेश जी ने भी कहा, लेकिन हमने देखा पिछली बार भी जो सरकार की जगह एक परिवार, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर आरोप थे, और इस बार भी वो सरकार को घेरते घेरते भी एक मंत्री पर मामला आके टिक गया, विश्वास सारंग पर। और उधर से भी ये नहीं कहा जा रहा कि कांग्रेस सरकार में घोटाला, वो कह रहे हैं कि विजय लक्ष्मी साधो के समय ये सब हुआ है। तो ये इंडिविजुअल मामला हिसाब किताब सेटिंग करने का है, पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, या वाकई में लग रहा कि कांग्रेस गंभीर है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस इस मामले को लेकर राजनीति कर रही, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कांग्रेस यदि वाकई में गंभीर होती तो दिग्विजय सिंह ने दो दिन पहले जो कहा जबलपुर में नरसिंह घोटाले के प्रदर्शन के मंच पर ही, उनने वहां पर युवक कांग्रेस के नेताओं को कहा कि उन्हें पूछा कि बताइए आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं कोई इसमें पीड़ित है क्या नरसिंह घोटाले का? तो एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। उन्हें दोबारा फिर उस बात को लेकर उनको डांटा, उन्होंने ताकीद की सार्वजनिक मंच पर।
कि आप लोग तो उन लोगों के घर तक जाइए, उनको जोड़िए, उन पीड़ित लोगों को जोड़िए, उनके परिवारों को जोड़िए। ये नहीं है कि युवा कांग्रेस का प्रदर्शन है, बच्चे बूढ़े सब इसमें शामिल हो जाएं, वो पीड़ित कोई दिखे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। जनता के मुद्दों पर जनता को जोड़ना होगा। ये दिग्विजय सिंह ने दो दिन पहले ही नसीहत दी थी और दो दिन बाद दिग्विजय सिंह अपनी नसीहत तोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। केवल ये राजनीति के लिए प्रदर्शन हो रहा है निश्चित तौर पर। आपको यदि वाकई में प्रदर्शन करना है तो उन लोगों को जोड़िए जो पीड़ित हैं, वो सामने आए। हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा, जिस तरीके से अभी दिनेश जी ने व्यापम का जिक्र किया, व्यापम के पीड़ित वहाँ पर आए थे बहुत सारे। पटवारी भर्ती का मामला था, पटवारी जो भर्ती में जो छूट गए थे, जिनके साथ अन्याय हुआ, वो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर रहे थे, मंत्रियों का बंगले घेर रहे थे। इस मामले में ऐसा नहीं है, इस मामले में बिल्कुल उलट है। जिनने एडमिशन लिया उनने जानबूझकर उन कॉलेजों में एडमिशन लिया जहां पर पढ़ाई नहीं हो रही थी, एक कमरे का कॉलेज था या कॉलेज ही नहीं था। उनको केवल एक डिग्री चाहिए थी, उनको इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। एक सिस्टम इसमें निश्चित तौर पर इन्वॉल्व था जिसकी वजह से ये गलतियाँ हुई हैं। कांग्रेस के रिजिम से शुरू हुआ है, जो बीजेपी विधानसभा में जो कहा गया, जो आंकड़े पेश किए गए, वो बता रहे हैं कि विजयलक्ष्मी साधो मंत्री थी तब भी वही काम हुआ, उसके बाद विश्वासारक मंत्री रहे तब भी वही काम हुआ। अब ये सत्ता पक्ष की तरफ से विश्वासारक ने जो कहा विधानसभा में कि हमने तो रोकने की कोशिश की, इसके पहले तो रोकने का भी प्रयास नहीं हुआ, हमने जाँच कराने की बात की, ऑडिट कराने की बात की। गड़बड़ियाँ हैं, निश्चित तौर पर गड़बड़ियाँ हैं, गड़बड़ियों को रोका जाना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी थी, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी थी, तंत्र ने वहाँ पर काम नहीं किया। इस पूरे मामले में मनोज जी विश्वास सारंग पर निशाना क्यों, सवाल यहीं आकर टिक जाता है। विश्वास सारंग तो मंत्री नहीं है, जो वर्तमान मंत्री हैं उनने विधानसभा के अंदर, वहां तो रिकॉर्डेड होती है, कोई चीज़ झुटलाई नहीं जा सकती, उनने विधानसभा के अंदर विश्वास सारंग को क्लीन चिट दी। उनने कहा कि नैतिकता के आधार पर विश्वास सारंग सोने की तरह खड़े इस पूरे मामले में। मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीआई की जांच चल रही है और कोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी बनी हुई है, वो जांच रिपोर्ट देगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा का पूरा मामला कोर्ट पर रख दिया गया सरकार की तरफ से। तो यदि कांग्रेस को आपत्ति है, यदि कांग्रेस को एतराज़ है, तो जिनने क्लीन चिट दिया आप उसके खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हैं? आप वो तो मंत्री ने विश्वासारंग, अब उसको आप हटवा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? आपकी केवल और केवल आपको जिस तरीके से व्यापम में अभी दिनेश जी कह रहे थे कि शिवराज सिंह का नाम बार बार आता है, वो उसका नाम नहीं हटाया जा सकता उनका, उसी तरीके से आपको एक नाम चाहिए, तो इसलिए आप इसको लेकर विश्वासारंग कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी साधो को भी जोड़िए ना, जिनका रिकॉर्ड में यदि उनके समय भी ऐसी गड़बड़ियाँ हुई उनको भी जोड़िए आप। बिल्कुल। तो यदि आपको यदि शुद्धिकरण चाहिए, शुद्धता चाहिए, व्यवस्था में सुधार चाहिए, तो आपको पूरी तरह आना होगा। मेरा तेरा नहीं चलेगा कि हमने जो किया है वो उसको हम दबा जाएं, तुमने जो किया है उसको हम बाहर ले आएं। तो यहाँ पर राजनीति निश्चित तौर पर हो रही है। बड़ी बात जो दिग्विजय सिंह ने कही थी, मैं उसको फिर आना चाहूँगा कि जो पीड़ित थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? वो आए थे बीच में प्रदर्शन करने के लिए, वो इसलिए आए थे कि उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही, चार चार साल हो गए उनकी परीक्षा नहीं हो रही, उनकी परीक्षा कराई जाए, उनको एक पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाए जिसके आधार पर वो नौकरियां कर सके। उनको इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, उनको कॉलेज में पढ़ाई करने से भी मतलब नहीं है, उनको तो केवल एक डिग्री चाहिए जिस डिग्री के लिए वो वहाँ पर एडमिशन लेने गए थे। तो या तो उनके पालक भी जिम्मेदार है इसमें, जो ऐसे कॉलेजों में एडमिशन किया उनको दिखता नहीं था कि ये कॉलेज ही नहीं, एक कमरे का चल रहा है, वहाँ पर वो एडमिशन करने चलेगा अपने बच्चे का। तो पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट है, पूरा सिस्टम ही सुधारने की ज़रूरत है। केवल एक प्रदर्शन करने से, एक FIR कराने से, एक आंदोलन करने से, आप किसी एक व्यक्ति पर निशाना साधने से नहीं होगा। सरकार का सिस्टम, आप पूरी सरकार पर निशाना साधिए, पूरे प्रशासन को लीजिए, सिस्टम को साथ में के खिलाफ आइए, तो शायद इस मुद्दे का कोई जनता तक असर होगा। तो ब्रजेश जी, असर होगा सिस्टम पे बात होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दो कमरे में कॉलेज चल रहा था, लेकिन जो आज ही हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय नीट की परीक्षा को लेकर किया है कि व्यापक पैमाने पर उसमें गड़बड़ी नहीं हुई थी, लिहाजा रिजल्ट जारी कर दिया जाए और संदेही है उनको रोक दिया जाए। इस मामले में हम देख रहे हैं कि जिन कॉलेजों की जाँच चल रही है, जो फिट पाए गए हैं और जो अनफिट हैं, उन सब के स्टूडेंटों के एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं। तो जो कम से कम जेन्युइन है उनके तो एग्ज़ाम करा ले सरकार, जो बचे हुए हैं उनका कुछ इंतजाम किया जाए कि उनकी नए कॉलेजों से संबद्धता करा दी जाए, उनको शुरुआत से पढ़ाई के लिए स्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि मामला अब ये चल रहा है कि कोर्ट के पाले में और विपक्ष के पाले में गेंद है और एक दूसरे के ऊपर सरकाने का प्रयास कर रहा है, कोई भी गोल पोस्ट को भेदना नहीं चाह रहा है एक तरह से, कि इधर या उधर, कि तुम्हारी गलती है तो तुम्हारी गलती, हमारी गलती है तो तुम्हारी भी गलती है। देखिए मनोज जी, सिस्टम सुधरना चाहिए, जो प्रभु जी भी कह रहे थे, सिस्टम सुधरने की बात यहाँ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस को मौका मिल गया है। कोई भी सियासत करने वाला राजनीतिक होगा वो अपने फायदा उठाने की कोशिश करेगा, चाहे नीट का मामला देख लीजिए आप, भले ही कोर्ट ने बाद में हुआ लेकिन इससे पहले कितना बवाल मचा है और कौन लोग आए आंदोलन करने, निश्चित तौर पर जो फेल हो गए थे उन्होंने लगा कि हाँ हम भी पास हो सकते हैं एक और मौका मिल जाए। तो यहाँ जो प्रभु जी कह रहे हैं
कि पीड़ित आना चाहिए, तो यहाँ तो पीड़ित तो हुआ ही नहीं। यदि वो नर्सिंग उनको बकायदा सर्टिफिकेट मिल जाता, वो कहीं नौकरी कर रहे होते, किसी को इंजेक्शन लगाते, वो मर जाता, तो वो पीड़ित था तो उसका परिवार का। यहाँ तो पीड़ित है नहीं है, मिली भगत है। मनोज जी, मिली भगत कैसी है कि जैसे व्यापम में हुई थी कि आपने साल भर बिठा दिए, आपने पर्चा खरीद लिया, तो यहाँ भी जो नर्सिंग कॉलेज के जो फर्जी कॉलेज हैं, जो एक कमरे में चल रहे थे, उन स्टूडेंटों को पता था, उनके पालकों को पता था कि ये गड़बड़ी है। तो मिली भगत उनकी भी थी कि हमको इतनी फीस जमा करनी है, हमारी परीक्षा होगी और हमको पास होना है, बस एक सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ कुछ लोग वो प्रभावित हो रहे हैं जो आपने भी कहा, जिनको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, गेहूं के साथ घर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है उन लोगों को ला सकती है, लेकिन वो यदि लेकर आती है उनको, तो वो मांग क्या करेंगे? वो मांग ये करेंगे कि हमारे कॉलेज तो सही थे, हमें तो सिर्फ परीक्षा दिलवाई जाए, क्यों हमारा साल बर्बाद हो रहा है। तो उनके आंदोलन में भागीदारी करने से कांग्रेस का कोई मकसद नहीं सत्ता है। मकसद यहाँ सत्ता है कि आपने फर्जी कॉलेजों को परमिशन दी है, जो मान्यता जो नियम थे उस नियमों का पालन नहीं करने वालों को दी है, तो आपको कार्रवाई करना चाहिए। अब यदि आप स्टूडेंट पर भी कार्रवाई करने की मांग करोगे तो आपके खिलाफ ही एक तरह से माहौल बन जाएगा, आपके खिलाफ ही लोग हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस सिर्फ यहाँ सियासत करना चाहती है, वो मौके का फायदा उठाना चाहती है। उसको एक मुद्दा मिल गया है जिसकी दम पर वो मध्य प्रदेश में अपनी जो कमजोर जड़ें हो गई हैं उनमें खाद पानी देना चाहती है, और वो उसकी कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस की जगह बीजेपी भी होती तो वो भी यही काम करती, लेकिन सिस्टम सुधारने की बात है। सिस्टम अब विपक्ष में रहकर तो वो कोशिश नहीं करेंगे। अब आप ऐसी उम्मीद भी मत करिए कि सकारात्मक विपक्ष निभाएं, कि वो चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा में विधानसभा में वो सुझाव देते कि वैसे ऐसा नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए। वो सिर्फ अपना मकसद साध रहे हैं। जिम्मेदारी सरकार की ज़्यादा बनती है, सिस्टम में कोई लूपहोल है तो उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। जो सही बच्चे हैं जिनको परीक्षा देनी चाहिए, जो सही नर्सिंग कॉलेज हैं, वो क्यों क्यों उनके साथ घुन पिस रहे हैं, उनकी परीक्षा होनी चाहिए। और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस शासन काल के हों, आप शुरुआत कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है आपको? आप कहिए कि कांग्रेस सिर्फ कहने से भर से कुछ नहीं ना, कि आपने सदन में कह दिया कि विजयलक्ष्मी साधो के समय भी हुए थे, तो भैया चोर चोर मोसेरे भाई, हमाम में सब नंगे हैं, आपने भी गड़बड़ी की, उनने भी गड़बड़ी की है, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? फिर कोर्ट की शरण में इसलिए तो जाना पड़ा। आज जिस मामले को इतना गंभीर समझ रही है कांग्रेस, इसी मामले को जांच के बाद भी हमने देखा कि सीबीआई के साथ मिलकर जो खेल हुए, और हमने देखा सीबीआई ने तो अपने अफसरों को कार्रवाई कर दी, पुलिस ने कर दी, लेकिन जो पटवारी जो राजस्व अमला साथ में था निरीक्षण करने, एक रजिस्ट्रार उसकी कार्रवाई कोर्ट नहीं करेगा ना मनोज जी, उसको सरकार को करना है। कोर्ट का एक निर्देश चल रहा है कि कौन से ऐसे वो हैं, एक रिपोर्ट देना है सीबीआई को। सीबीआई को जब कोर्ट कहेगा इससे आगे कि सीबीआई की ये दोषी है, इन पर कार्रवाई कर दीजिए, इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए, तब जाके क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा। अभी जांच कर रहे हैं, एक क्षण जांच चल रही है एक तरफ, जिसमें जो लिप्तता पाई गई है उसमें कोर्ट के माध्यम से सीबीआई के माध्यम से सरकार के पास जानकारी आई, उसी आधार पर तो सरकार ने कार्रवाई की है। तो सरकार चाहे तो पटवारी पर भी कार्रवाई कर सकती है, जो निरीक्षण करता है उन पर भी कार्रवाई कर सकती है। सरकार को किसी कोर्ट ने कार्रवाई करने से नहीं रोका, तो सरकार चाहे तो एफआईआर भी दर्ज कर सकती है मनोज जी, की एफआईआर एसआईटी बना दे, जांच करा ले कि भाई जो दोषी है उन पर कार्रवाई कर दे, उन छात्रों के भी बयान ले ले। व्यापम में भी तो यही हुआ था ना, छात्रों को भी दोषी पाया गया था, उन पर भी कार्रवाई हुई थी, उनके पालकों पर भी कार्रवाई हुई थी। तो यहाँ इस मामले में ऐसे भी किया जा सकता है, सिर्फ कोर्ट के आधार पर। कोर्ट तो अभी जब रिपोर्ट लेगी, इसके बाद कोर्ट को लगेगा कि इसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तो एफआईआर दर्ज करने के कहेगी, उसको लगेगा कि सरकार को दे दें, नीचे पुलिस को दे दें वो जांच करने का, तो कोर्ट दे सकती है। अभी कोर्ट के पास क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बना, अभी सिर्फ मॉनिटरिंग चल रही है, जिसमें गड़बड़ी आई थी कि जो उनके सीबीआई के अधिकारियों ने भी गलत रिपोर्ट दी है कोर्ट को, जब इसका खुलासा हुआ। और जो मैं आपसे पहले कह रहा हूं मनोज जी, कि इस कांग्रेस आज इस मामले को इतना गंभीर दे, वही रवि परमार, आप भी जानते हो, हमने भी 10 बार उनसे बात की, 10 बार खबरें चलाई, उन मामले को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। कांग्रेस के ऐसे कई नेता थे जो दबाव बना रहे थे कि इस मामले से पीछे हट जाइए, आप इसको लड़ाई मत लड़िए, लेकिन जब उनको लग रहा है कि अब तो ये फायदे का होगा सौदा, जिससे हमारी राजनीति चमक सकती है, कांग्रेस में एक जान आ सकती है, तो वो उसको हथियार है। नहीं तो वही अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, कोर्ट तक गया था, कांग्रेस ने कौन सा सपोर्ट कर दिया? विवेक तनखा को खड़ा कर देते और खड़ा कर देते, आज खड़ा कर दें कोर्ट में एनएसआई के साथ, तो निश्चित तौर पर कोर्ट वो निर्देश दे देगी, वो कार्रवाई कर देगी। तो दिनेश जी, कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट लूटने की भी होड़ ज़्यादा मची हुई है, जो आपने भी जिक्र किया था शुरू में, जो ब्रजेश भी कह रहे हैं कि शुरुआत में इतने गंभीरता से लिया नहीं, और अब लग रहा है कि मुद्दा लपक लिया जाए जब तक, क्योंकि नया मुद्दा कुछ है नहीं। नहीं मनोज जी देखिए, मैंने ये जो स्कूल कॉलेज के जो मामले होते हैं ना, कई बार हम इसको यूनिवर्सिटी में जिस तरह की राजनीति होती है ना, उस तरह से ले लेते हैं। बिल्कुल। अब ये जो मामला है, ये नर्सिंग का, एक तो ये एडमिशन का स्कैम नहीं है, तो अलग अलग तरीके के मामले होते हैं। आपने देखिए, जिस तरह से व्यापम में था ना कि एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ, गलत लोगों परीक्षा में बैठ गए, गलत लोगों का
सिलेक्शन कर दिया, इंजन होगी, बहुत सारे पैटर्न है यहाँ, वो उस तरह का पैटर्न नहीं जी। हाँ, इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है यहाँ। सिंपल देखिए, जो सरकार ने जो मान्यता जिन कॉलेजों को दी उसमें एडमिशन हुआ। बच्चों ने तो कोई मान्यता दी नहीं, बच्चों ने तो कोई कहा नहीं कि आप ये कॉलेज खोल दीजिए, हम हमारा एडमिशन दे दीजिए और जो है हम फ्री हो जाएंगे, हमको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ये तो वो है जो सरकार ने जिनको का इंस्पेक्शन किया और ये पाया कि ये नर्सिंग कॉलेज खोले जा सकते हैं। और ये मामला देखिए जो भी है, ये बच्चे ही गए थे हाई कोर्ट में, कोई नहीं गया था, ये तो जो कोई कांग्रेस पार्टी नहीं गई, जो लोग गए थे ये पीड़ित थे, तीन तीन साल एग्जाम नहीं हो रही थी तब ये गए, तो हाई कोर्ट ने उसका सीरियसनेस समझी और सीबीआई से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ली। अब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई, हाई कोर्ट के कमेंट आ गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब सरकार सोच रही है कि हम इसमें एक एफआईआर करा के क्यों मुसीबत में फंसे। हाई कोर्ट ने कोई क्लियर तो कहा नहीं कि आप एफआईआर कराइए, उन्होंने तो आपके सामने रख दिया कि आप जानिए ये आपका काला पीला ये है। अब इस काला पीला पे आप यदि एक परसेप्शन डेवलप करते, राजनीति में तो यही होता ना, भारतीय जनता पार्टी होती तो क्या करती, वो भी यही करती, वो भी यही करती। और आपको लग रहा है कि विजय लक्ष्मी साधु दोष है, अरे टांग दो ना फांसी, किसको इनकार है भाई। कांग्रेस कब कह रही है कि विजय लक्ष्मी साधु के खिलाफ कार्रवाई मत करिए आप, वो यदि विश्वास सारंग के खिलाफ आंदोलन कर रही है, रिपोर्ट लिखा रही है, तो आप विजय लक्ष्मी साधु के खिलाफ कर दो। और जब जांच करोगे या कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो क्या विजय लक्ष्मी साधु या कमलनाथ सरकार बच जाएगी क्या, नहीं बचेगी। तो ये तो सब कयास है। अभी तो जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है वो भाजपा के भीतर हो रही है, सरकार में हो रही है कि किस तरह से इस मामले को निपटाया जाए, किस तरह से एफआईआर रोकी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जो भी डायरेक्शन आएगा वहीं से आएगा। तो जो सरकार है वो भी चांस ले रही है कि जितने दिनों इसको हम खींच सकते हैं वो खींचे, अन्यथा जो आगे होना है इस मामले में होना वही है कि सीबीआई पर आप देखिए व्यापम की तरह एफआईआर होगी और वही जो मुकदमे हैं जिसमें जो दोषी हैं, चाहे रजिस्ट्रार हो या वहां का जो भी परमिशन देने वाले लोग हैं, जो भी जांच, इसमें कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं इन्वॉल्व है, कुल मिला के 20-25 लोगों का ये खेल है जिन्होंने इंस्पेक्शन किया और जिन्होंने अनुमति दी। भाई अनुमति पे विश्वास सारे कर रहे उनके दस्तखत नहीं है तो नहीं होंगे भाई, जो प्रोसेस होगा वो तो उसी के आधार पर जांच होगी ना। यदि प्रशासनिक स्तर पर अनुमति होती होगी तो होगी, यदि मंत्री का उसमें दस्तखत लगते होंगे, एसीएस के लगते होंगे, तो वो उन पर आएगी कि आपने क्या किया, वो तो कह देंगे साहब जो रिपोर्ट आई नीचे से उसके आधार पर कार्रवाई। अल्टीमेटली जो लोग वहां नर्सिंग काउंसिल में थे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, क्रिमिनल एक्शन भी उन्हीं के खिलाफ होना। तो प्रभु जी क्रिमिनल एक्शन होना, और वैसे भी हमने देखा कि ठीक है व्यापम के बाद कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब ये एक ऐसा मामला है कि आप एक पूरा सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि हमने नीट में देखा है कि किस प्रकार से एक्शन हुआ, हालांकि उसमें भी कुछ अधिकारियों को छोड़ दिया गया है, लेकिन इस मामले में कम से कम सरकार एक इनिशिएटिव ले सकती है कि एक ऐसा सिस्टम बना दे ताकि बाद में इस प्रकार की गड़बड़ियों को पुनरावृत्ति ना हो। देखिए मनोज जी, वही तो बात आ रही है बार बार कि सरकार ही तो सिस्टम नहीं बना रही है ना, यदि विधानसभा में जो कहा गया उसी को आधार माने तो कांग्रेस सरकार की गड़बड़ियों को उन्हें देखा और वही चीजें फिर आगे चलती रही, उन्हें उसको दूर कहाँ किया, बिल्कुल चेक कहाँ किया उन्हें कि खत्म कर दें गड़बड़ियों को, दूर कर दें जो गड़बड़ लोग बैठे हैं, जो गलत मान्यता दे रहे हैं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो था वो वैसे ही चलता रहा, ढर्रा वही रहा। वो वजह है जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई जिनने अनुमति पे साइन किए हैं वो जिम्मेदार होंगे, तो सरकार छुप बच क्यों रही है। सरकार को तो इसमें धड़ाधड़ कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि मंत्री तो फंस नहीं रहा है, मंत्री तो कह रहा है कि हमने साइन नहीं किए उसमें, एसीएस कहेगा कि हमने नीचे की रिपोर्ट के आधार पर साइन किए, पीएस कहेगा कि और नीचे की रिपोर्ट आई तो हमने साइन किए उसके आधार पर आगे अनुमतियाँ दी गई। तो फिर ऊपर वाले जब सरकार का जो चेहरा है वो कहीं इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई की गुंजाइश नहीं बन रही है, तो सरकार बच क्यों रही। सरकार तो धड़ाधड़ कार्रवाई करनी चाहिए इसमें और उसके बाद मामले को सुधारना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि केवल साइन करने नहीं करने से मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि शराब पॉलिसी पे भी केजरीवाल ने साइन नहीं किए थे लेकिन 4 महीने से अंदर है, जो बड़े बड़े व्यापम की बात कर रहे हैं उसमें भी शिवराज जी के साइन नहीं थे, बिल्कुल। तो ये जो एक लूप होल है मुझे लगता है इस पर भी विचार होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, लेकिन क्या वो तार्किक परिणति तक पहुंचेगा या केवल आरोप प्रत्यारोप के बीच ही ये मामला सिमट जाएगा, और जो हजारों पीड़ित छात्र हैं जो कई जानबूझकर भी पीड़ित हुए और कुछ अनजाने में हुए, उनके भविष्य का क्या होगा, और अगर ये लोग नर्सिंग की डिग्री ले लेते तो उन हजारों मरीजों का क्या होता
जो इनका ये इलाज करने में सहायता करते, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो अब वक्त आ गया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कम से कम एक पारदर्शी प्रक्रिया के साथ जिससे साथ आगे बढ़ा जाए, जिससे ना छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो और ना उससे जो लोग जुड़े हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।